उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा गृह गृह संस्कृत योजना के अंतर्गत आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा के तृतीय चक्र का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। प्राथमिक विद्यालय राजघाट में आयोजित इस कार्यक्रम का समापन 22 सितंबर को होगा। कार्यक्रम के प्रथम दिन संस्कृत प्रशिक्षिका नंदिनी रस्तोगी ने बताया कि 10 दिनों तक चलने वाले संस्कृत भाषा शिक्षण में खेल के व गीत के माध्यम से सरल तरीके से संस्कृत भाषा को सिखाया जाएगा, जिसमें पहले दिन से ही बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नंदिनी रस्तोगी ने कहा कि संस्कृत अति सरल मधुर और दिव्य भाषा है। इसका शुद्ध वाचन अभ्यास करके ही हम उसकी दिव्यता को अनुभूत कर सकते हैं। हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि ये देव भाषा हमारे देश की ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन चिरंजीवी भाषा है। हमारे ज्ञानी विज्ञानी बुद्धिजीवियों ने इसी भाषा में ज्ञान विज्ञान के गुण रहस्यों को लिखा है, जिसका लाभ हम तभी ले पाएंगे जब हम इस भाषा को तहे दिल से अंगीकार कर पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर इसका शुद्ध उच्चारण अभ्यास करें और इसे अपने जीवन की व्यवहारिक भाषा बनाकर दैनिक दिन इनका प्रयोग करें। ममना, ममना।